भाई फड्डा हो गया, फड्डा हो गया यार, थप्पड़ कब मारा है, कब लगाया है, वो जाते हुए टच हुआ है, कसम खुदा की यार। अरे चाचा गेट टूट जाएगा, थप्पड़ नहीं मारा, जब बोल रहा हूँ थप्पड़ नहीं मारा, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। मैं क्यों मारा थप्पड़, थप्पड़ मारा ही नहीं है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, 30 लाख रुपए का यार, कितना महंगा यार ये। अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात, कैसे हैं आप लोग। भाई आज हम लोग फाइनली अपने लिए कोई ना कोई जानवर खरीदने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे सारे जानवर खत्म हो चुके हैं, हमारी बसंती भी जा चुकी है, हमारा जुगनू भी जा चुका है, मतलब यार सारे जानवर हमारे पास टिक ही नहीं रहे। मैं तो बोल रहा हूँ उस्ताद, इतने सारे कबूतर हैं, यहीं से पकड़ लो 20-25 हज़ार कबूतर। अबे मैं तो कह रहा हूँ पकड़ पकड़ के खा जाते हैं, क्या बोलते हो? पकड़ सकते हो वैसे यहाँ से कबूतर? पकड़ सकता हूँ, क्यों नहीं पकड़ सकता, पकड़ो। पकड़ के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। वो देखो उस्ताद, मादा अंडों पर है, नर उसके पीछे पड़ा हुआ है घोंसले पे। मतलब नर उसको लाइने करा रहा है? नहीं, उसको बोल रहा घोंसले में जा तू। यार एक काम करते हैं, चैलेंज देखते हैं पहले कबूतर कौन पकड़ता है। 1 2 3 अबे यार ये तो भाग रहा है। कबूतर नहीं है, जंगली कबूतर है, इनको पकड़ने के लिए ट्रिक चाहिए होती है। आप पैसा खर्च करो, दाना डालो, फिर ये हाथ में आएगा। दाना डालना पड़ेगा, नहीं देखना आपका भाई ऐसे ही पकड़ेगा। एक काम करते हैं बैठ जाते हैं आराम से ना, करीब आएगा पकड़ लेंगे फौरन से। यार ये गलत बात है, खड्डे के अंदर से निकाला तुमने। यार माशाल्लाह चेक करो कितने मोटे मोटे कबूतर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेचारे यार आजाद कबूतर है, इनको उड़ा देते हैं। वैसे आप लोग अगर कमेंट में बोलो ना, अगले व्लॉग में हम लोग कबूतर पकड़ के खाएंगे, रोस्ट बना के खाएंगे। अच्छा यार वैसे चेक करो, इतने सारे कबूतर एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। अरे भाई साहब, मतलब आपका भाई करीब जाएगा ना, फौरन से भागेंगे सारे। तो चेक करो यार, अच्छा कबूतर ना उस तरफ भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर ना कबूतरों को तालाब बनाएगा, मतलब कबूतर ना यहाँ से आराम से पानी वानी पी लेते हैं। कराची में कबूतर कितने ज्यादा भर रहे हैं यार। वो पसंद करते हैं ना, देखो किस तरह दाना डालने, मोहब्बत है लोगों की। मैं तो बोल रहा हूँ मिश्कात भाई, आप भी लो 5-6 बोरियां यहाँ पर फैलाओ, सवाब सबका जा रही है। यार मुझे लग रहा है अगर कराची के लोग ऐसी दाना डालते रहे ना, तो कुछ दिनों में इंसान कम कबूतर ज्यादा हो जाएंगे। दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे राम कुड़ियों को डाले दाना। देखो यार गुच्छे में बैठे हैं, मतलब ना खचा खच भरे में। तो ये चेक करो यार, इतने सारे एक साथ बैठे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसमान में ना उड़ते हुए अलग ही फील हो रहा है। ये चेक करो यार, क्या मतलब मंजर आ रहा है। हवा कैसी आ रही है परों की यार, ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है। यार मैं तो कह रहा हूँ घर में ना फैन की जगह हम कबूतर रख लेते हैं, लाइट भी जाएगी ना, ये हवा देते रहेंगे। यार उसामा भाई यहाँ पर सारे जंगली कबूतर हैं, लेकिन बीच में ना कुछ अलग खूबसूरत भी दिख रहे हैं यार। व्हाइट व्हाइट है वो, लोगों के जंगलियों को देख के उतर जाते हैं। जैसे वो वाला व्हाइट है, ये वाला चेक करो, व्हाइट कलर का कबूतर है यार। इस वाले को पकड़ना है यार, बहुत प्यारा है। अबे यार पहले ही भाग गया यार ये। ब्राउन कलर का भी आ गया बीच यार, कोई ब्राउन उठाना है यार, ब्राउन वाला उठाना है। पकड़ सकते हो तुम? अरे पकड़ सकते हैं दाना, लेकिन चाहिए होगा ना यार दाना। वो वाला ब्राउन वाला कितना प्यारा है यार, ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फॉरन स्टार्ट हो जाएंगे, फॉरन मार्केट से स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो पहले ही उड़ने लग गया। अबे यार पहले ही भाग गया यार। वरना सारे लोग आके ना दाने डाल रहे हैं, देखे आंटी भी डाल रही है, वहाँ पर लोग भी डाल रहे हैं। बच्ची ना कब से खिला रही है कबूतरों को दाना, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको चांद जैसा छोर दे, अल्लाह ताला इसको राजकुमार दे। और इन कबूतरों को दाना डालने के सदके मिश्कात भाई को नीली नीली आंखों वाली लड़की दिला दे। यार आपका भाई तो अनाड़ी है, लेकिन उसामा भाई हैं जानवरों के एक्सपर्ट। उसामा भाई यार आपको पकड़ के दिखाओ ना यार। यार भाई मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपका भाई पकड़ने में मास्टर है और आपको भी पकड़वाना सिखा देगा। कबूतरों को डालना पड़ता है दाना, जिससे ये समझे कि आप इसके मालिक हो। अब जगह यूं यूं करके आओ। मानते हो नहीं मानते, बहुत तेज हो रहा है। यार उसामा भाई ने कबूतर पकड़ लिया, लेकिन आपका भाई एक भी कबूतर पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब ना आपके भाई ने चैलेंज कर लिया अपने आप से कि एक कबूतर तो पकड़ेगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कबूतर पकड़ते कैसे। तो पहले आपको ऐसे करके बैठ जाना है। अब ये तो कच्ची हो गई, सारे उड़ गए। यार आपको तो पता है आज हमें खरीदना है कोई जानवर बहुत ही प्यारा सा। हम लोग जाते हैं लालू केत वाली छपाटर मार्केट में, लेकिन आज वहाँ पर सीन ये है कि आज ना वहाँ पर पुलिस वालों ने इतने डंडे बरसाए कि पूरी मार्केट खाली कर दी। तो अब मजबूरन हम लोग जा रहे हैं इम्प्रेस मार्केट में। यार वैसे हमारे मुफ्ती तारिक मजूद साहब है ना, वो कहते हैं कि कबूतर इतने ज्यादा कराची में बढ़ गए कि इनको पकड़ पकड़ के काट काट के खाओ। अब आप लोग इससे इत्तफाक करते हो नहीं करते, लेकिन आपका भाई करता है, क्योंकि कबूतर ना बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और कबूतरों का कराची में कोई फायदा नहीं है, मतलब सिर्फ बीट करते हैं, गंदगी करते हैं। इतनी ज्यादा नस्ल इनकी बढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हलाल बनाया। अल्लाह ताला ने जब हलाल बनाया तो इंसान खा भी सकता है, क्या बोलते हो? वैसे भी चरिंद परिंद और ये जानवर जो हलाल है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाया, और माशाल्लाह आप जितने खाओगे उतने ये बढ़ेंगे, ये देख लेना। यार मसला ये है ना कि हमारी ऑडियंस में ना मुफ्ती बहुत है, फौरन फतवा लगा देंगे, उस्ताद कबूतर खाया हराम हराम हराम, जहन्नुमी जहन्नुमी। ये चेक कर लेना, जो आप पे फतवा लगाता है ना कमेंट में, उसकी खुद की खतरा नहीं हुई होगी। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं। अबे आप कहाँ जा रहे हो भाई? चुप कर बे कुत्ते।
तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंप्रेस मार्केट में और यहाँ से हम लोग लेने वाले अपने लिए कोई अच्छे से अच्छा जानवर। आपके भाई के पास कुत्ता तो है लेकिन कोई और जानवर? हाँ भाई पुराने दिन याद आ रहे हैं तोते मोते देखकर। ये चेक करो इतने बड़े साइज का कबूतर रखा हुआ है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे फैंस। वीडियो देखते हो कौन सी वाली, अच्छी वाली गंदी वाली? बस अच्छी वाली देखा करो, मेरी गंदी वाली नहीं देखा करो, सही है? माशाल्लाह यहाँ पर चेक करो, अबे इतने खतरनाक किस्म के मोटे मोटे कुत्ते आए हैं भाई। कौन सा कुत्ता है वाला? लैब्राडोर। और ये वाला कौन सा कुत्ता है भाई? ये कैसा कुत्ता है? अबे इसके तो बाल इतने सारे हैं। कितने का दे रहे हो? सही पैसों में आपको। सही पैसों में बताओ तो, पैसा तो बताओ। 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए? अबे पागल है, 2 लाख भी नहीं दूंगा इसकी। एक काम करो 200 रुपए का दे दो। गंदा भी हो रहा है? गंदा देखो बिल्कुल सामा की तरह लग रहा है। डॉग है यार, इतना प्यारा छोटा सा बच्चा है क्या? अरे इतना प्यारा सा भाई, लड़की मिल गई, नीली नीली आंखों वाली। कहाँ है? जल्दी आओ। कहाँ है बे? जल्दी जल्दी जल्दी। अबे इसको कुत्ता तो देने दो, अबे इसको तो वापस कर दो। ये नीली आंखों वाली लड़की? अबे बिल्ली नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। ये बिल्ली से काम चला लो, महंगाई बहुत है। अबे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे फिर? बिल्ली और कुत्ते का क्रॉस कैसा होता है? और ये अलग ही कोई चीज नजर आई माशाल्लाह से। क्या ये तीतर? बोल के देखो बच्चे को बेचारे को बेवकूफ बना दिया। ये पता है क्या है? ये चीनी मुर्गी है। अबे तुम्हें पागल बना दिया। ये चेक करो, काला तीतर बोल के बच्चे को पागल बना दिया। अच्छा कलर की है? पिंक कलर, कलर, कलर। अच्छा अच्छा, पर्पल कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर। वाह 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 वाह, दिखाओ 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 दिखाओ। कितने का ये? कौन सा चैनल? पहले चैनल नहीं पता तुम्हें? मिश्कात खान, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। बड़ा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। और मामा कैसे हो? ठीक हो? फुल मजे में। क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे थे? चश्मे में अच्छा लग रहा हूँ मैं यार, चश्मे में बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट लग रहा है तो इतना हंस क्यों रहा है हमें देख देख के? अभी कैमरा सामने है, कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं बोलो कैमरे के सामने, आज बोल दो। कैमरे के पीछे तुम बहुत कुछ बोलते हो। नहीं बोल सकता हूँ भाई। मुझे इसमें भाभी नजर आ रही है, क्लीन शेव करवाओ, कसम खुदा की बाल लगवाओ, खूबसूरत भाभी नजर आ रही है मुझे, पूरी चिट्टी नीली नीली आंखें। ये चश्मा लगा हुआ है कसम खुदा को, क्या बताऊं चश्मे में क्या खास बात है। आंटी जैसा लग रहा है, समझ रहे हो? अबे उस्ताद ये वाली बिल्ली चेक करो यार, कैसी अजीब सी बिल्ली है बिल्कुल, और करिए म्याऊ म्याऊ। अबे उस्ताद क्या बोल रही हो, सब्सक्राइब का बोल रही हो? अच्छा चलिए मिश्कात खान को सब्सक्राइब करो। ये वाला कुत्ता चेक करो, बिल्कुल लोमड़ी की तरह यार। ओ भाई साहब क्या हुआ भाई, काटोगे तो नहीं? काट के दिखाओ, काट के दिखाओ। ओ भाई साहब फुल यार मकाऊ शकाऊ, ये चेक करो फुल खतरनाक किस्म के यार, मतलब लेवल है लेवल। ओ भाई साहब ये चेक करो, इतने सारे अंगूरा रैबिट। कितने के दे रहे हैं आप? 6,000 रुपए का जोड़ा। हमारे लिए कितने का होगा? आपके लिए फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अरे भाई साहब यार माशाल्लाह चेक करो, इतना प्यारा फैन, इसकी आंखें चेक करो यार माशाल्लाह, इधर ग्रीन ग्रीन आंखें यार। साहब भाई ऐसी कोई चाहिए ना यार हमें। भाई से बात कर रहा हूँ, इनके वाली साहब से बात कर लिए भाई। हाँ यार मिश्कात भाई की शादी करानी है, VIP किस्म की ना। ये बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, वीडियो देखते रहता है हर वक्त। यार ये हमारी बात को काटे जा रहे हैं यार, गजब बेइज्जती है यार। उसामा भाई आज कोई जानवर खरीदना है यार, क्या खरीदे समझ नहीं आ रहा यार। ये टर्की ले लो। टर्की नहीं, टर्की होता है यहाँ पर, बड़े बड़े साइज के टर्की भी है माशाल्लाह। और ये भाई ना खुद सब्जियाँ काट रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना खुद बनाते हैं आप? इनके लिए कर लेते हैं, अगर आप लड़की होते ना मैं आपसे शादी कर लेते हैं। इतनी माशाल्लाह सलीक, वैसे भी कर लेते हैं। बहुत तेज हो रहे हैं। ले ले नकाबपोश कबूतर, ये पर्दे वाले होते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि पर्दे वाली लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा भाई सोच रहा आज ये टर्की खरीद ले यार, भाई टर्की का जोड़ा मुझे दे दो आज आप। आप सही है, ले जाओ टर्की को भी ले जाओ, तुम्हें भी ले जाए, तुम्हें ले जाके क्या करेंगे यार, बहुत काम आऊंगा आपके। टर्की चाहिए हमें, टर्की नहीं चाहिए यार। आप ये चेक करो माशाल्लाह, इतने सारे मोर यार, इतने प्यारे प्यारे। इनमें जो ये पर होता है ना, ये पीछे वाला जो पर होता है यार, ये बहुत ही प्यारा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका भाई मोर लेकर क्या करेगा यार? आपके भाई के पास तो मोर इतने सारे हैं और साथ मोरनियां भी हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस मार्केट का सबसे महंगा परिंदा। वो परिंदा है 30 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का जोड़ा। ओ भाई साहब मतलब 60 लाख में बंदे का पूरा घर आ जाता है यार। यार मुझे समझ नहीं आता बंदा 30 लाख रुपए का परिंदा कैसे खरीद लेता है यार, इतना महंगा। और अगर खुदा ना वास्ता मर गया तो बंदा गया भाई। मैं आपको दिखाता हूँ तोते के पर कैसे काटे जाते हैं, ये चेक करो। ओ भाई साहब चीख रहा है बुरी तरीके से, और ये भाई जो ना प्लायर से इसका निकाल रहा है। ओ भाई साहब अच्छा नए पर आएंगे बड़े वाले। ये चेक करो 30 लाख रुपए का परिंदा। अबे 30, अबे कहाँ है, अबे कहाँ है 30 लाख रुपए का परिंदा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना काला कलूटा 30 लाख का क्यों? ये काला है इसलिए 30 लाख का है।
भाई ये चेक करो माशाल्लाह यार, आपके भाई के हाथ में भी बैठे हैं। आओ आओ माशाल्लाह। ओ भाई साहब ये चेक करो यार, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। यार मतलब इसको बेच के ना बंदा घर भी खरीद सकता है, पूरा का पूरा घर या पूरी गाड़ी आ सकती है। अरे भाई साहब ये तोते ने नहीं गधे ने काटा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 30 लाख रुपए का यार, कितना महंगा यार ये। हम भाई क्या बोलते, चोरी कर ले? अबे चोरी नहीं कर सकते, पठान जो है ना कुछ और मार देंगे। अबे बात सुनना, चोरी करेंगे, बड़ी सी गाड़ी खरीद लेंगे, पराठे खरीद लेंगे। निकलोगे कैसे यहाँ, इतने सारे पठान है, क्या करोगे? अबे जेब में डाल लेना, इतना बड़ा तोता जेब में डाल दे तो अंदर डाल देते हैं, लोग समझेंगे कुछ और है। यार आप लोगों ने मैना देखी होगी, नॉर्मल जो हमारे रोडों पे घूम रही होती है, लेकिन यार वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इतनी प्यारी मैना यार माशाल्लाह। इसकी चोंच चेक करो, बिल्कुल ना ऑरेंज है। ये चेक करो यार माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत किस्म की मैना। भाई उड़ के दिखाओ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यार ये वाला इतना खूबसूरत लगा ना आपके भाई को, है भी तो 30 लाख रुपए का यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ में आ जाओ, हाथ में आ जाओ। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो फुल तबाही मचा रहा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो है ना हम जलील होने वाले, मैं बता रहा हूं। क्यों जलील होने वाले? जो है ना इतना महंगा तोता है ना, इतना महंगा तोता, खुदा ना खास कहीं गिर के इसकी टांग जरा से भी माजूर हो गई ना तो साहब 10 लाख रुपए तो आपको ही देने पड़ेंगे। अबे यार 10 लाख की बात कर दी, 1 करोड़ इनके मुंह पे मारूंगा यार। अबे क्या बात कर रहे शायद भाई, यार यार मेरी यूट्यूब की इनकम पता है ना आपको कितनी है? कितनी है यार? कम से कम 10-12 करोड़ तो मैं कमा लेता हूँ महीने के। चल झूठा। तो पता है निस्तार्थ भाई, जब पोटी करते हैं सोने की ईंटें निकलती हैं। उठा लेना, टेंशन ही नहीं है। किस टाइम करते हो आप? यार मैं करता हूँ, दिन में एक बार करता हूँ। आपने नीचे बैठ देना हाथ रख के, और सोने की ईंटें निकलेंगी आप लेके चले जाना। अगर तुम लोग के पास इतना पैसा है 30 लाख रुपए, ये तोता खरीदना चाहो तो इन भाई से आके ले लेना। भाई इनकी शक्ल देख लो, ये बड़े बिजी बंदे हैं, बात बात करते नहीं है। अच्छा ना मस्ती भी बहुत है, ये चेक करो, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं रहा। आओ आओ। ओ भाई साहब, कंधे पे आके बैठेगा, कंधे पे बैठेगा, पर खोल लिए। अबे यार कितना प्यारा लग रहा है यार पल खोल के, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल्लू तुम इतने प्यारे कैसे हो यार? कल्लू एक काम करते हैं, तुमने चुपके से मेरी जेब में आ जाओ, हम लेके ना तुम्हें घर चलते हैं। चुप कर बे कुत्ते। उस्ताद मैं तो सोच रहा हूँ शादी कर लेता हूँ, जहेज में 30 लाख रुपए मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। नर है, मुर्गे आपस में। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, नर निकला यार। जी मामा, क्या हाल है? ठीक हो? तुम तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे हो। ये मुझे लग रहा है तुम्हें दे के छोड़ेगा कोई ना कोई परिंदा। क्या ख्याल है, मूड है या नहीं? अगर मूड है तो बताओ। किस चीज का मूड आपको बताया ना? कभी ना खुशबू लगा के साथ इनका ना इरादा खतरनाक लग रहा है। चश्मा लगाऊं? चश्मा लगाऊं? चश्मा दो भाई, चश्मा दो यार। जी भाई बिल्कुल आंटी नजर आ रहा है। आंटी क्या करेगा, तुम शादी करेगा हमसे? हमारा क्या ख्याल है, दिल में तुम्हारे दिल में इरादा है? तुम हमको पसंद करती है या तुम्हारा दिल में इरादा है तो क्या करो? ये बोले तुम्हारा दिल में इरादा, इसका इरादा रात में बनता है, तुम रात में आना खुशबू लगा के। बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में हमने खाना खाया है, लेकिन जो मजा ऐसे बैठ के खाने में ना, अलग ही लेवल का। क्या बोलते हैं भाई साहब, है ना, अलग ही इनका टेस्ट ही अलग होता है यार। रोटी के मामा का पसीना गिरता है, रोटी जो मामा का पसीना के अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो किसी 5-स्टार होटल के अंदर नहीं आता है। देखो 5-स्टार होटल में होती है वो वाली लड़कियां शड़कियां, वो मजा फिर भी नहीं है जो मामा की आंखों में आता है। वो मामा जो पसीने वाला हाथ डालते हैं उसमें रोटी जो पसीना करके हसीना क्यों बन रहा है। ये जो मजा है ना तंदूर की रोटी में, ओ भाई साहब, ये भाई साहब फुल नमाज वमाज पढ़ के स्पेशल पाकीजा रोटी बना रहे हैं। ये शाहिद भाई ने हमें इनवाइट किया माशाल्लाह। शाहिद भाई क्या खिला रहे हैं? तो आपका दिल करे जो दिल करे। वैसे हम ना डाइटिंग वाला खाना खाते हैं मतलब, लेकिन आपकी मोहब्बत में मतलब हम रोटी चावल वावल नहीं खाते, हम खाते हैं मुर्गी शुर्गी और ये औलाद वाला सब्जियां। आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते हो ना, आज हमारी खातिर आपकी खातिर आप जो खिलाए मोहब्बत से हम खाएंगे। ठीक होगी यार, ऐसे बैठ के खाने में जो सुकून है ना, वो आपको 5-स्टार होटल पे बैठ के नहीं मिलेगा। ये चेक करो, मतलब आलती पालती मार के, ये एक लड़का मेरे साथ है, एक लड़का मेरा ये साथ है, फुल माहौल बना हुआ है यार, समझ रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, कीमा फिराई। ओ भाई साहब, ये अंडा आपने खुद खाना है? और अबे यार मुझे नाम नहीं पता ना, ये कीमा फिराई, ये आ गया कीमा फिराई। यार रोटियां आप चेक करो, सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी रोटियां। ओ भाई साहब, बड़ी बड़ी फुल पठानों वाली रोटियां। भाई ये चेक करो, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां फुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब यार आपके पठानों में हर चीज बड़ी बड़ी होती है, मैंने देखा है। भाई फड्डा हो गया, फड्डा हो गया यार। थप्पड़ कब मारा है, कब लगा है? वो चाहते बेटा छुआ है, क्या सीन हो गया ये? पता नहीं क्या हुआ यार वो। अबे भाई पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पर जो ना आके फुल चीख रहे चाचा, आके फुल यहाँ पे क्या हो गया? अबे फुल गुंडागर्दी भाई,